नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट से इनसाइड यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विजय। तो आज के वीडियो में हम इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करेंगे। ये है रूम हीटर और ये डायरेक्ट सॉकेट में कनेक्ट हो जाता है, तो आपको इसके लिए कोई वायर वगैरह नहीं वायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साइज़ में छोटा है और इस पर बॉक्स में लिखा है 1000 वॉट, तो इसकी भी हम जाँच करेंगे कि कितने वॉट का है और इसको आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, वो भी हम बात करेंगे। और इसके साथ में रिमोट भी आता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट मेड इन कौन सा है, मतलब मेड इन इंडिया है या नहीं है, वो भी हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग को बुरा लग जाता है यदि किसी कंट्री की विशेष बुराई होती है। तो इस वीडियो में मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता कि प्रोडक्ट कहाँ से आया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोडक्ट है उसकी खासियत मैं आपको बताऊँगा कि और आपको ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना, ये भी आप देखिएगा इस वीडियो में। तो इसको हम खोलेंगे भी और उसका चेक भी करेंगे। तो जिस प्रकार से इसका ये कनेक्टर है, ये मूवेबल होता है, आप इसको 360 मोड़ सकते हो जैसा भी आपको सॉकेट में कनेक्ट करना हो। ये ग्रिल है, सामने ग्रिल मेटल की दी है, उसके अंदर एल्यूमिनियम का रेडिएटर टाइप कुछ मटेरियल दिख रहा है। तो इसको हम जब हम खोलेंगे तो जब हम इस पर बात करेंगे, फिलहाल तो अभी हम इसको चेक करके देखते हैं कि कैसा क्या काम करता है, उसके बाद हम इसको खोल के देखेंगे कि अंदर कैसे कंपोनेंट, इसकी फिटिंग वगैरह, क्वालिटी वगैरह कैसी है और उसमें सेफ्टी के लिए क्या क्या फंक्शन दे रखे हैं। क्योंकि काफ़ी लोग प्लास्टिक का रूम हीटर लेते हैं और उसमें आग लग जाती है, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसे सेफ्टी वाले ऐसे फंक्शन नहीं होते। तो वो भी हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या सिस्टम है। तो इसमें कुछ बटन दिखाई देते हैं आपको, जैसे कि 4 बटन है, चारों बटन काम करते हैं। और ये एक स्विच भी दिया है इसमें ऑन ऑफ करने का रेड कलर में। तो यहाँ पर डिस्प्ले में आपको टेम्परेचर और जो फैन स्पीड है, इसमें 2 स्पीड मिलती है, हाई एंड लो स्पीड। और टाइमर भी इसमें आपको मिलता है और साथ में रिमोट भी मिलता है। एक ये नई चीज़ है, क्योंकि रूम हीटर में इतनी कम प्राइस में आपको रिमोट मिल जाना अच्छी बात है। तो अभी आपको ख़रीदने का डिसीजन अभी आप नहीं बना सकते अभी, क्योंकि आपको अभी पूरा वीडियो देखना है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। जैसे ही मैंने इसको प्लग करा, इसके ऊपर 25 लिखा हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस में है या फ़ारेनहाइट में है नहीं पता, लेकिन हम मान के चल रहे कि सेल्सियस में। तो 25 डिग्री सेल्सियस दिखाता है, जैसे ही इसको ऑन करते ऑफ करते तो 25 दिखाता है, मतलब सभी सेटिंग इसमें रीसेट हो जाती है सिर्फ ऑन और ऑफ करने में। तो इसकी जो स्पीड है, फ़ैन स्पीड इसमें 2 दी है, इसमें लो है और एक हाई है। तो 2 फैन स्पीड मिलती है आपको, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। फैन स्पीड सिर्फ 2 ही है, जो इसका टेम्परेचर उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मैक्सिमम 32 वोल्ट सेल्सियस तक ले जाता है और मिनिमम ये 15 डिग्री सेल्सियस पे ले जाता है, ऐसा मान के चल रहा है कि सेल्सियस है। वैसे इसका मैनुअल पढ़ना पड़ेगा, उसमें लिखा होगा क्या है। इसके साथ में हमको रिमोट मिलता है, इसमें 5 बटन मिलते हैं रिमोट में, और रिमोट बढ़िया सा काम करता है। आप इसको बंद करना चाहते हो रिमोट से बंद कर सकते हो। और इसका जो टाइमर है, जो इसमें स्विच दिए हैं ना, वो पूरे स्विच आपको रिमोट में मिल जाते हैं, आपको ऑन ऑफ करना हो। एक फंक्शन ज़्यादा अच्छा लगा इसको ऑन ऑफ करने का, बाकी इसका टेम्परेचर वगैरह का सिस्टम समझ में नहीं आता है कि कौन सा टेम्परेचर में कैसा क्या रहेगा। तो टेम्परेचर का मतलब तो पता नहीं क्या है, मतलब फेक दे दिया है, मेरे को ऐसा लग रहा है। टेम्परेचर तो कुछ काम ही नहीं करता, 15 डिग्री पर भी वही स्पीड वही सब कुछ रहता है और हाई टेम्परेचर में भी वही रहता है। इसके पीछे एक छोटा सा फ़ैन दिया है, जो हमारे पहले के समय में जो कंप्यूटर आते थे तो उसके चेचिस फैन में जो यूज़ होता था, 90 mm का चेचिस फैन, तो वो इसमें यूज़ किया गया है। आजकल तो 120 mm के फ़ैन लग रहे हैं, जितने भी कंप्यूटर के चेचिस जो आते हैं कैबिनेट, उसमें 120 mm का फ़ैन रहता है, लेकिन इसमें 90 mm का फ़ैन है और काफ़ी अच्छा फ़ैन है। वैसे तो वैसे बेसिक फ़ैन है जो हमारे CPU में जो लगा होता है, CPU में नहीं, जो मतलब CPU के चेचिस में लगा होता है कैबिनेट में। और इसके अंदर ये कॉइल है, ये कॉइल एल्यूमिनियम की कॉइल है और देखने में ऐसा लगता है कि किसी गाड़ी का रेडिएटर हो, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई कूलेंट वगैरह की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें एक आप देख सकते हो कि बीच में आपको ऐसा कॉइल टाइप दिख रहा है, एकदम फ्लैट कॉइल। तो ऐसी 4 कॉइल लगी है इसमें, एक प्रकार के रजिस्टर हुए ये तो। और इसका जो वॉट होता है वो काफ़ी ज़्यादा वॉट के रजिस्टर लगे हुए, जो कि हीट होता है, उससे हमारे जो ये कॉइल एल्यूमिनियम की, इसमें हीट पूरी फैल जाती है और पीछे फैन लगाए तो ये हीट को आगे ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस प्रकार से ये गर्म करता है, गर्म हवा देता है। तो इसमें आप देख सकते हो पीछे फैन लगा हुआ है और एक सामने आपको PCB दिख रही है, 2 PCB लगी है। एक PCB तो जहाँ पर डिस्प्ले है, LED डिस्प्ले आपको दिखता है जहाँ से, एक वो डिस्प्ले और एक जो डिस्प्ले मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें BT137 लगा हुआ है, जो कि जब आप रिमोट से इसको फंक्शनिंग करते हो उस कारण से उसमें BT136 दिया है। तो उस कारण से इसकी जो कॉइल में जो रेजिस्टेंस, कॉइल में जो पावर जाती है वो BT137 से जाती है, वो ट्राइक बोलते हैं जिसको। और ये IR रिसीवर लगा हुआ है जहाँ से रिमोट कंट्रोल काम करता है। बस ये सिस्टम रिमोट कंट्रोल से, इसमें हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज से कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए इसमें BT137 दिया है। इसमें एक IC भी दिख रही है आपको, 555 जैसी IC है। ये IC वोल्टेज कन्वर्टर वाली ऐसी कोई IC है जिसका यूज़ हम तो वैसे अपने यहाँ तो वैसे बहुत कम होता है, लेकिन इस बाहर का ही प्रोडक्ट है आप समझिए। इसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि इसमें किसी प्रकार का कोई थर्मोस्टेट मुझे देखने को नहीं मिल रहा है,
तो मैं आपको आगे थोड़ा सा और बताऊंगा थर्मोस्टेट के बारे में। इसमें दो वायर है, दो वायर कॉइल में लगे हैं। जो हमारा रेडिएटर है जिसमें एल्यूमिनियम के जो फिन बने हुए, फिन जो एसी में कंडेंसर यूनिट आपने देखा होगा बिल्कुल वैसा दिख रहा है। यदि आपका कंडेंसर यूनिट एल्यूमिनियम का है एसी के अंदर, तो आपको इसी प्रकार से फिन देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें पाइप लगे होते हैं जिसमें जो गैसेस होती है वो चलती है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सा वायर कहाँ से जा रहा है। जैसे स्विच जो है रेड कलर का स्विच, वहाँ से वायर जा रहा है, और न्यूट्रल और फेस में भी कनेक्ट है, स्विच से वायर होते हुए जा रहा है, और जहाँ BT137 लगा है उसके नीचे वायर आ रहा है, उसके बाद आपको सीधे से कॉइल में कनेक्ट हो जाता है। तो BT137 ही स्विचिंग का काम करती है, कॉइल में जो पावर आता है BT137 से ही आ रहा है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये सिस्टम इसमें जो लगा हुआ है, ये किस प्रकार का क्या मटेरियल है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन यही जो मटेरियल है यही हीट जनरेट करता है। हो सकता है ये एक प्रकार का रजिस्टर हो जो हीट जनरेट कर रहा हो। इसमें भी कुछ ऐसा जैसे सोल्डरिंग आयरन के आपने अंदर देखा होगा कि कैसा क्या सिस्टम होता है, उसी प्रकार से कुछ सिस्टम होगा जो हीट होता है, उसके बाद में ये पूरी जो असेंबली एल्यूमिनियम की उसको गर्म करता है, और उसके पीछे फैन लगा है वो हीट को आगे ट्रांसफ़र कर देता है। और इस प्रकार से PCB, इसमें दो PCB जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसमें एक लाइट भी आप देख सकते हो, यहाँ पे LED लगी हुई है, लाइट है। ये फैन का वायर जा रहा है ब्लैक कलर का, और LED का लाइट का जो वायर है वो वाइट कलर का वायर है, और बहुत सिंपल है। हाँ, तो मैं आपको इसमें बता रहा था कि इसमें किसी प्रकार का कोई थर्मोस्टेट नहीं दिया है, तो थर्मोस्टेट देना बहुत ज़रूरी होता है। अधिकतर रूम हीटर में आपने देखा होगा कि दो प्रकार के थर्मोस्टेट होते हैं। एक थर्मोस्टेट वो होता है कि यदि इसमें टेम्परेचर ओवरहीट हो जाए, इसका फ़ैन ऑफ हो जाए, तो टेम्परेचर ओवरहीट होने से कभी कभी इसमें आग लग जाती है, क्योंकि प्लास्टिक की बॉडी होती है, बहुत जल्दी गर्म होने पर आग पकड़ लेती है। यदि इसमें थर्मोस्टेट नहीं है तो आपको ये समझ लीजिए कि इसमें कोई प्रोटेक्शन का सिस्टम ही नहीं दिया है। यदि इसमें किसी प्रकार की कुछ गड़बड़ होती है हीट से रिलेटेड, तो हो सकता है इसमें आग लग सकती है, पक्का नहीं पता लेकिन आग लग सकती है यदि कुछ इसमें प्रॉब्लम होती है तो। लेकिन इसमें किसी प्रकार का ऐसा कुछ थर्मोस्टेट वगैरह से प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, कुछ ऐसी फिटिंग है नहीं इसमें, तो इसमें थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से इसको आप नहीं खरीदो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सिंपल सा मैं आपको आंसर दे रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, जो उसका प्लास्टिक है वो भी ब्लैक कलर का है, और इतना अच्छा प्लास्टिक नहीं। यदि ये आपके हाथ से गिर जाए, यदि आप इसको सॉकेट में लगा के रखो वहाँ से गिर जाए तो टूट सकता है। जो इसका जो एल्यूमिनियम का जो पैनल है, इसके हम रजिस्टर चेक करके बता रहा हूँ। इसमें आपको 1.5 किलो ओम का आपको रजिस्टर मिलेगा एक साइड कॉइल में। टोटल इसमें आप देख सकते हो इसमें टोटल कितना रजिस्टेंस आ रहा है। जैसे ये सिंगल साइड की कॉइल को मैं चेक करता हूँ, तो इसमें आपको 1.5 किलो ओम का रजिस्टेंस मिल रहा है आपको, 1500 ओम जैसा कि लिखा हुआ आ रहा है, और दूसरा साइड भी आपको यही मिलता है। तो मतलब जो दो कॉइल लगी उसका रजिस्टेंस इतना आ रहा है। तो इसमें दो वायर निकले, इसमें आपको इसमें बहुत अच्छे से इसको बनाया गया है, इसमें सिर्फ दो मतलब बीच का जो पिन थी इसको कॉमन कर लिया था, तो आप समझेंगे तो आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हम इसमें चेक करते हैं कि ये कितना पावर कंज्यूम करता है। तो जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में जैसे कि आप देख रहे हो कि मैक्सिमम इसमें 700 वाट तक चले जाता है कभी कभी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये 600 वाट ही दिखा रहा है। उसके बाद में कंटिन्यूस कम होते जा रहा है, 500 वाट 450 वाट तक आ गया है। लेकिन इसमें भी मैं यदि टेम्परेचर कम ज़्यादा करता हूँ तो जो रीडिंग है वो अपने हिसाब से बदल रही है, जो उसका पावर कंज्यूम जो पावर जो कंज्यूम कर रहा है वो अपने हिसाब से चेंज हो रहा है, ना कि रिमोट के टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से चेंज हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो अभी 385 के आसपास इसमें वाट में पावर कंज्यूम आ रहा है, तो इतना ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो इसके बावजूद भी जो है उसका जो टेम्परेचर है, फ़ैन स्पीड है, उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और जैसा कि इसके बॉक्स में लिखा है ये 1000 वाट का है, तो 1000 वाट का तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और जो इसका जैसे 300 वाट का है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि इसकी हीट कितनी जनरेट करता हुआ। आपका सवाल होगा कमेंट में कि कितना इसमें पावर कितनी कितनी हीट जनरेट करता है, तो आप देख सकते हो 300-400 वाट का ये डिवाइस है, तो 300-400 वाट के डिवाइस में जितनी हीट जनरेट होती है उस हिसाब से ठीक है, लेकिन ख़रीदने लायक नहीं है प्रोडक्ट। लेकिन तब भी आपको इसके प्राइस वगैरह देखना हो कितने का मिल रहा है अमेज़ोन पे, ये तो मैंने इसके लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, और आप चाहो तो अपनी रिस्क पे इसको ख़रीद सकते हो। वैसे तो आप देख लीजिएगा, मैंने इसके लिंक दे दिए कितने का क्या है। और ये वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था, आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ये बिना लाइक किए इस वीडियो को छोड़ना नहीं आपने, और कुछ भी आपको सवाल करना तो आप कमेंट में कर सकते हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।